मित्रों, जीवन में अपने संबंधों को घड़ी की सुई की तरह बनाकर रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सुई तेज है और कौन धीमी। मायने रखता है संबंधों में जुड़े रहना। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के। सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। इससे पहले हम ग्रहों के गोचर की स्थिति थोड़ी सी जान लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल का गोचर दो राशियों में होगा अगस्त के महीने में। 18 अगस्त से वो एकादश भाव में कन्या राशि में रहेंगे और वहाँ से पंचम भाव पर उनकी बराबर दृष्टि बनी रहेगी। और उससे पहले अगर हम देखें तो उनका जो गोचर होगा वो सिंह राशि में रहेंगे 18 अगस्त तक के समय में, और वहाँ से भी उनकी जो अष्टम दृष्टि है वो पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो राशि स्वामी की जो दृष्टि है वो पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी, पहले अष्टम दृष्टि फिर सप्तम दृष्टि। पंचम भाव के स्वामी जो हैं गुरुदेव हैं, मेन राशि है, और वो छठे भाव में गोचर करेंगे और राहु के साथ उनकी युति रहेगी, क्योंकि छठे भाव में मेष राशि है। मेष राशि में गुरुदेव का गोचर होगा, वहाँ पर राहु का गोचर भी है। तो गुरु और राहु की युति आपके छठे भाव में होगी। गुरु चंडालयुग का निर्माण वृश्चिक राशि वालों के छठे भाव में होगा, तो गुरु की गोचर की स्थिति पूरे महीने वहीं पर बनी रहेगी। राहु भी पूरे महीने वहीं पर बने रहेंगे। केतु आपके बारहवें भाव में तुला राशि में पूरे महीने बने रहेंगे। सप्तम भाव में वृषभ राशि है और स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का अगर हम गोचर देखें तो शुक्र का गोचर भी दो राशियों में होगा। पहले तो वो सिंह राशि में रहेंगे और 7 अगस्त को बकरी अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर अगस्त के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे। नवम भाव में ज़्यादा समय तक गोचर रहेगा शुक्र का, दसम भाव में सिर्फ 7 दिन तक रहेंगे। शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी कुंभ राशि में चौथे भाव में पूरे महीने गोचर में रहेंगे, और चंद्रमा का जो गोचर है सभी राशियों में होगा। जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं उनका गोचर सभी राशियों में पूरे महीने में हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं बुध के गोचर की, जो कि आपके अष्टम भाव के और आय भाव के स्वामी हैं। उनका गोचर सिंह राशि में दसम भाव में पूरे महीने बना रहेगा, और दसम भाव के सूर्यदेव का भी गोचर देख लेते हैं। सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव में सिंह राशि है। दसम भाव के स्वामी का गोचर दसम भाव में ही 17 अगस्त से हो जाएगा, और उससे पहले वो भाग्य भाव में रहेंगे, तो दसम भाव के स्वामी का गोचर भी अच्छा है। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए बनेगी अगस्त के महीने में। चलिए अब आपके प्रेम संबंधों की बात करें। तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में राहु के साथ आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ जिद बहस छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। आप ध्यान रखकर चलें कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अगस्त के महीने में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद हो बहस बिल्कुल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। नहीं तो वहाँ पर फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। और प्रेम संबंधों में 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। हालाँकि राशि स्वामी की दृष्टि पूरे महीने है, लेकिन एकादश भाव से जब दृष्टि राशि स्वामी की होगी तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके अंदर क्रोध की भावना, अहम की भावना बिल्कुल देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में। वृश्चिक राशि वालों के अंदर अहम की भावना ज़्यादा बढ़ी रहेगी, और छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध करेंगे, और इस कारण आपके प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ फिर आपको वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद ना हो, तो ये आपके लिए अच्छा है। संबंधों में किसी भी प्रकार की बहस को अगर आपने नहीं रोका तो वो बहस बड़ी होगी, या फिर आपके साथी के साथ संबंध खराब होंगे, इस बात का तो आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी अगस्त के महीने में। चलिए अब बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए। तो सिंगल लोग जो हैं और जिनको प्रेमी प्रेमिका की तलाश है, चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई प्रेमी प्रेमिका आए, और किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, या फिर किसी से बातचीत चल रही है उससे आप मित्रता का प्रस्ताव देना चाहते हैं, किसी भी तरह का मित्र बनाने के लिए
अगर प्रस्ताव देना है तो वहाँ पर 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। तो सिंगल लोगों के लिए कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह की कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके पुराने प्रेम संबंध थे, आजकल बातचीत नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आए और आपकी बातचीत शुरू हो, तो 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का ऐसा समय है जब आपकी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आ सकता है, आपके प्रेम संबंध सामान्य हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी भी बहुत आवश्यक है, इसका भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर ईमानदार नहीं है प्रेम संबंधों में तो फिर अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। बाकी वृश्चिक राशि वालों को सामान्य परिणाम की उम्मीद आप प्रेम संबंधों में कर सकते हैं अगस्त के महीने में। और अगर आपके साथी की राशि वृश्चिक राशि है, मीन राशि है या कर्क राशि है, तो आप देखेंगे जो मैंने परिणाम बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो संबंध आपके अच्छे नहीं रह पाएंगे। तो गलतफहमियां ना बढ़ने दें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अहम पर नियंत्रण रखें और अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर पहले तो दसम भाव में है और उसके बाद वो नवम भाव में आएंगे, तो नवम भाव में 7 अगस्त से रहेंगे, वो कर्क राशि में बकरी अवस्था में रहेंगे, लेकिन परिणाम आपको अच्छे मिल जाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, और अगर वहाँ पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके संबंध मधुर रहेंगे। और अगर कोई छोटे मोटे मतभेद हैं आपके जीवन साथी के साथ, वो आसानी से यात्रा के दौरान समाप्त हो सकते हैं, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपने साथी के अंदर जो भी गलतफहमियाँ उसके अंदर हुई हैं उसको समझाना होगा, गलतफहमियों को स्पष्टता से दूर करना होगा। वहाँ पर भी आप 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपके जीवन साथी के साथ जो भी मतभेद हैं वो समाप्त हो सकते हैं, वहाँ पर प्रयास किया जा सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और विवाह से अलग कोई संबंध है तो ध्यान रखकर चलें, वहाँ पर आपके वाद विवाद देखने को मिल सकता है। विवाह से अलग कोई संबंध नहीं होने चाहिए, वरना अगर हैं तो आपके जीवन साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। आपके जीवन साथी को अगर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है, खासकर पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है, तो आपको अगस्त के महीने में उसका ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि अगर आपके जीवन साथी को किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें कोई कोताही ना बरतें। और किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो ध्यान रखकर चलें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, ऐसी सलाह आप अपने जीवन साथी को दे सकते हैं। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का अगस्त के महीने में ध्यान रखकर चलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं अगस्त के महीने में। चलिए उपाय की बात करें, आपके राशि स्वामी मंगल हैं, आप मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और 7 बार करें, या फिर रोज़ाना करें, रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर जाकर करें, चाहे घर पर अपने मंदिर के सामने हनुमान जी की मूर्ति के सामने करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में भी बांटें। ऐसा उपाय आप करें, पूरे महीने आप करते रहें, आप देखेंगे आपको निश्चित ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये वृश्चिक राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।